स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद एकेडमी पर। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस वीडियो में जो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वो क्वेश्चन था आपका 50वां जेसी डेनियल पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया और साक्षी जी एज यूजुअल आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। आपने जो लिखा उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके पूरे मैसेज को पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम और हमारी टीम ठीक है आपके साथ लगी रहेगी, बनी रहेगी और पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनकी मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको दिया जाए ठीक है। चलिए आइए, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 50वां जेसी डेनियल पुरस्कार जो है ये दिया गया है हरिहरन जी को ठीक है। किसे दिया गया है? हरिहरन जी को दिया गया है। अच्छा अब सवाल उठता है, चलिए हरिहरन जी को दे दिया गया, पर ये जेसी डेनियल का संबंध किस राज्य से है? अगर आपसे पूछेगा कि जेसी डेनियल पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है तो वो राज्य है केरल। केरल राज्य जो है अपने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए, फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु जेसी डेनियल जी की स्मृति में जेसी डेनियल पुरस्कार जो है देता है। अब बात आएगी दोस्तों केरल की, तो केरल के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। चलिए केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन देखते हैं जैसे ठीक है। देखिए केरल की जो राजधानी है वो है आपकी, कहां पे है आपकी, तो तिरुवनंतपुरम में है। लेकिन केरल का जो हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में है। दो चीजें, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है लेकिन न्यायधानी हमारी बिलासपुर है। बट मोस्टली क्या होता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी कुछ राज्य ही ऐसे हैं, बाकी सब में तो उनकी राजधानियों में ही आपके क्या है, आपके जो आपका हाई कोर्ट है वो स्थित है। तो केरल में क्या है आपका, केरल की राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम, जबकि केरल का हाई कोर्ट कहाँ है अगर पूछेगा तो एर्नाकुलम में है। और इसी केरल के एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आपका लक्षद्वीप आता है। मतलब लक्षद्वीप की अपना हाईकोर्ट नहीं है, लक्षद्वीप अगर लक्षद्वीप में कोई मामला दर्ज किया जाएगा तो वो किस राज्य के अंतर्गत आएगा, तो वो केरल राज्य के अंतर्गत आएगा। और लक्षद्वीप की भाषा भी क्या है, तो मलयालम है, क्योंकि केरल की राजभाषा क्या है, मलयालम है ठीक है। केरल का अगर नृत्य की बात करता हूं तो आपका कौन कौन सा है, मोहिनीअट्टम है ठीक है, मोहिनीअट्टम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब तिरुवनंतपुरम जो है वो संसदीय क्षेत्र किसका है, शशि थरूर जी का है ठीक। शशि थरूर भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस के हैं शशि थरूर जी, और इनका नाम आपको ध्यान रखना है शशि थरूर। और शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र क्या है, तिरुवनंतपुरम। इसी तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई VKSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यहाँ पे मैंने आपको किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं, जब PSLV और GSLV के बारे में, जितने भी हमारे जो अंतरिक्ष रॉकेट अंतरिक्ष यान जो बनते हैं उनका निर्माण किया जाता है कहाँ पे आपके, तो तिरुवनंतपुरम में किया जाता है ठीक। अब बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री और केरल के राज्यपाल की। वर्तमान में केरल के फिर से मुख्यमंत्री चुने गए हैं पिनरई विजयन, पी विजयन जिन्हें हम कहते हैं। और केरल के अगर मैं गवर्नर की बात करता हूँ दोस्तों तो हामिद मोहम्मद खान। ठीक है, मैंने बहुत सारे डिटेल्स तथ्य बताए आपको, वीडियो को फिर से पॉज करके प्रीवियस करके आप सारे नोट उसको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ये तो हो गई सारी की सारी कल की बात, आइए आज का हमारा पहला पॉइंट है उसको स्टार्ट करते हैं। डिंको सिंह एक हाल ही में एक व्यक्ति है डिंको सिंह, इनका निधन हुआ है दोस्तों। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि जून 2021 में डिंको सिंह जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस चीज से था, साहित्य कला विज्ञान या फिर कुछ भी देगा खेल प्रौद्योगिकी। तो डिंको सिंह जी का संबंध जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। क्या थे ये, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध बॉक्सिंग से था। ये बहुत ही फेमस इंडियन बॉक्सर थे, 1998 के जो आपका एशियन गेम्स हुआ था उसमें 1998 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। इसलिए डिंको सिंह जी का नाम आपको ध्यान रखना है, डिंको सिंह जी का संबंध किससे था, बॉक्सिंग से था। अभी हाल ही में घटना हम सब ने न्यूज में सुनी है दोस्तों, एक समुद्री थूक के बारे में। अब ये थूक, इंसान तो थूकता था, प्रकृति भी थूक रही है, समुद्र भी थूक रहा है। जी हाँ एग्जैक्टली थूक की बात कर रहा हूं मैं, समुद्री थूक का संबंध कहां से है, जिसे हम अन्य नाम में कहते हैं, या तो सी सलाइवा बोलते हैं या तो मरीन म्यूलिसिस बोलते हैं। क्या क्या, या तो सी सलाइवा या तो मरीन म्यूसिलेस कहते हैं। अब ये घटना कहां घटित हुई है, किस देश में घटित हुई है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो ये समुद्री थूक का मतलब पहले समझिए दोस्तों, समुद्री थूक मतलब समुद्र अपने अंदर से कुछ चीज निकाल कर बाहर फेंक रहा है, उसी को हमारी थूक का मतलब क्या है, हम थूकते हैं मुंह से कुछ निकाल के अगर बाहर फेंक दिए वो क्या कहलाएगा, थूक कहलाएगा। उसी प्रकार से समुद्र अपने अंदर के किसी अपशिष्ट को अगर निकाल कर बाहर फेंकता है तो वो क्या होता है, समुद्री थूक, जिसे हम सी सलाइवा कहते हैं या मरीन म्यूलिसेस, ठीक है, म्यूलिसेस कहते हैं। अब ये घटना किस देश में घटित हुई है, तो वो घटित हुई है आपके तुर्की में, ठीक, कहां घटित हुई है, तुर्की में, ठीक है। और तुर्की की जो राजधानी है दोस्तों ये है अंकारा। तुर्की की मुद्रा की अगर मैं बात करता हूं, तुर्की की मुद्रा है लीरा, और मैं तुर्की की अगर राष्ट्रपति की बात करता हूं तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की मुद्रा लीरा और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, ये बहुत फेमस आदमी है, मतलब कुछ ना कुछ विवाद करके कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि हमेशा ये चर्चा में बने रहते हैं, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। समुद्री थूक हाल ही में कहां दिखाई दी, तुर्की में दिखाई दी, तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा और राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, ठीक। ये चाहता है तुर्की की सारे के सारे मुस्लिम देश मेरे को अपना मसीहा माने, कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है कि मैं ही मतलब सर्वस्व हूँ, ठीक है, मेरे ही सब चीज, मतलब क्या है, सब चीज मेरा ही है, जितना भी आपका मुस्लिम कंट्रीज है उनका क्या है, नेता बनना चाहता है ये, ठीक। यहीं पे आपका मिलेगा कमाल पाशा खान, मुस्तफा कपान कमाल पाशा खान, याद हो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1924 के आसपास उसने जो आपका मुस्लिमों का जो एक पद था उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात सारी की सारी आपकी तुर्की की। अब अगला है हमारा दोस्तों इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में, मैंने आपको कल बताया था कि भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, उसी प्रकार से इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना बिहार, ठीक है। अब ये इथेनॉल का फंडा क्या है, देखिए इथेनॉल का फंडा ये है कि हम जैविक तरीके से ईंधन को यूज करें, उनसे जैसे जेट्रोफा के पौधे से बायोडीजल निकालते हैं अपन, उसी प्रकार गन्ने की खोई से अपन क्या है, ईंधन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा मतलब सुरक्षित हो, हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और मानव जाति के लिए, पूरे की पूरी मानव सभ्यता के लिए जो है एक अच्छा मतलब सबक साबित हो सके। तो ये इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना बिहार। अब बिहार की बात करते हैं, बिहार की राजधानी है पटना। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो किया था सबसे पहले आपके उदयन ने, ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछता है किसने किया था, उदयन ने किया था, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया, शेरशाह सूरी ने किया, कंफ्यूजन नहीं होना है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन ने की थी, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया, तो आपका शेरशाह सूरी ने किया। और ये भी प्रश्न पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में अवस्थित है। ये सारे प्रश्न आपके पीएससी एसएससी और रेलवे के फैक्चुअल्स हैं, जो हमेशा मतलब घिस पीट के कहीं ना कहीं आपको पूछेगा ही कि आपको सासाराम में किसका कब्र मिलेगा, ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ मिलेगा, बहुत बार पूछा है। ये सारी बातें बिहार की हो गई। अब बिहार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में नीतीश कुमार जी, और बिहार की राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। इतनी बातें आपको बिहार से याद रखनी है। बिहार में ही आपको सिरोर मिलेगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार में ही क्या मिलेगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इनके बेटे जो है जय शाह, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, उन्हीं को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कौन है वो, आपके श्री जय शाह जी, पूरा नाम इनका जय अमित शाह, क्लियर हो गया। अगला है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 के लिए हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना, तो याद रखना है आपको आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भर। जैसे
कोविड का जब फर्स्ट फेज था उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या अनाउंसमेंट किया था कि आत्मनिर्भर भारत करना है। अब जो पिछले हमने कितने सालों में कुछ नहीं किया उसको अब हमें बदलना होगा, हमें हमारी जरूरत के हिसाब से। हम सब ने देखा कि जहां पीपीई किट ठीक है और सारी की सारी जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज थी, मेडिकल किट्स थी, इक्विपमेंट थे, जो भारत बनाता ही नहीं था, हम सिर्फ उसको इंपोर्ट करते थे, आज भारत उसको पर डे लाखों में बना रहा है और इवन इनका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ड्यू टू ओनली आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, तो इस तरह से हमको अपने देश को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने एक और नारा दिया था, लोकल फॉर वोकल। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ ही साथ दोस्तों ये 5 पॉइंट सारे कंप्लीट हुए आपके, आज का आपका होमवर्क है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका जो आज का वर्क है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई, जिसे हम इंग्लिश में आईएसए कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बिल्कुल आंसर इसका आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद फिर हम कल इस पर डिस्कशन करेंगे और आगे कुछ और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में, धन्यवाद।